मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश को बदनाम करने का काम कर रही है। राहुल गांधी और कमलनाथ ने प्रदेश के साथ कलाकारी की और एक भी वादा नहीं निभाया। इसके साथ ही मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने दिल्ली आतंकी हमला, राज्यसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर मीडिया से बात की। आतंकी कहीं भी पकड़े जाएं, मध्य प्रदेश हमेशा इस बात पर अलर्ट मोड पर ही रहता है कि मध्य प्रदेश में आतंक की गतिविधि हो, नक्सलाइट गतिविधि हो, सिमी की गतिविधि हो, इस तरह की जो भी संगठित अपराध की गतिविधियां हैं, हम उन पर नजर रखें और कंट्रोल में रखें। मेरे ध्यान में ये विषय आया है और ये जो उन्होंने किया है, भाव उनका जो भी हो, पर तरीका गलत था और मैं निर्देशित करूंगा कि इन पर मोटर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाना चाहिए, जिससे ये परंपरा आगे न बढ़े और ज्यादा विकसित न हो। तो पोस्टर कहाँ का है कांग्रेस, यही तो बता दे, विदेशी पोस्टर है वो। दरअसल मध्य प्रदेश को बदनाम करने का कोई अवसर छोड़ते नहीं है। महान भारत को बदनाम भारत कहने वाले कमलनाथ जी ही थे, जो कोरोना का वारियंट आया था उसे इंडियन वारियंट कहने वाले कमलनाथ जी ही थे, पाकिस्तान के पुल में दरार थी उसको हिंदुस्तान में भोपाल का पुल बताने वाले दिग्विजय सिंह ही थे, मुर्दों से बातचीत सुनने वाले हमारे कमलनाथ जी ही थे, जो कब्रिस्तान में मुर्दों की बातचीत जिनने कोरोना काल में सुन ली थी। ऐसे ही ये फोटो भी, विदेश का फोटो उन्होंने अपने ट्वीट पे लगाया है। ये मध्य प्रदेश को बदनाम करने की जो कुत्सित कोशिश कांग्रेस कर रही है, ये निंदनीय है। शिवराज जी कार्रवाई कर रहे, कलाकारी तो कमलनाथ जी ने की थी कि 2 लाख रुपये 10 दिन में माफ हो जाएंगे, और एक का भी नहीं हुआ। ये थी कलाकारी जो राहुल बाबा कर गए थे। कलाकारी ये थी कि 4,000 रुपया महीना नौजवान को बेरोजगारी भत्ता हर महीने घर बैठे देंगे, और एक को भी नहीं दिया। ये होती है कलाकारी। जनता के बीच कभी जाए तो पता चले, घर पे बैठ के ट्विटर बाबा ट्विटर पर अगर काम करेंगे तो इन्हें क्या समझ में आएगा। सभा की अधिसूचना जारी हुई है, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, ये सुनिश्चित है। वोटों का प्रतिशत ये बताता है, हमारी सीट है, हम जीतेंगे।